नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ टेंस। हमारे पास तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं इसमें, हाई, लो एंड ब्रस्ट। ठीक है, हाई में क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसीज की ज़्यादा कर देते हैं और इंटेंसिटी हम कम कर देते हैं। ठीक है, और लो में क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं और इंटेंसिटी को है ज़्यादा कर देते हैं। ये हमारे पास ज़्यादा शार्प होता है, जो हमारे पास लो टेंस होता है ज़्यादा शार्प इसका स्टिमुलस होता है। ठीक है, जो हमारे पास हाई है ना, ये हमारे पास लार्ज डायमीटर पे इसका स्टिमुलेशन जा रही होती है। ठीक है, अगर ब्रश की बात करें तो ब्रश में ये होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ये शॉर्ट पल्स होती है और हाई इंटेंसिटी इसमें होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम ना रिपीट कर रहे होते हैं इम्पल्सिस को, मीन्स कि हम वन से लेके 5 टाइम पर सेकंड के हिसाब से हम इसको रिपीट कर रहे होते हैं। और एक जो ब्रश होता है वो 70 माइक्रोसेकंड्स का होता है। ब्रश टेंस का एक ये भी फ़ायदा है कि ये जो है ना कम्बिनेशन होता है बेसिकली कन्वेंशनल और कोपिंचर का, लाइक टेंस का। ठीक है, ये दोनों तरीके से जो है ना हमें पेन रिलीफ करवा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। क्या इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट, कि इलेक्ट्रोड को कैसे प्लेस करना है, किधर किधर प्लेस करना है। मोटर पॉइंट्स पर कर सकते हैं, मसल की ओरिजिन इंसर्शन पे, डर्माटोम के हिसाब से, एप्रोवेट जो डर्माटोम है उसके हिसाब से, नर्व ट्रंक की ट्रिगर पॉइंट पे, और ग्रेटर पेन इंटेंसिटी, जहाँ पे पेन ज़्यादा फील हो रही है वहाँ पे। ट्रीटमेंट मेथड मींस के हमने वहाँ पे मतलब उसकी सिवियरिटी के हिसाब से चीज़ें इसकी मैनेज करनी होती हैं, कि कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है और कितनी इंटेंसिटी रखनी है सिवियरिटी देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास इसकी इंडिकेशन आ जाती हैं कि किन सूरत हाल में जो है हम टेंस को यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक पेन सिंड्रोम में, फैंटम लिम पेन में, फैंटम लिम पेन के वहाँ उसका लिम किसी वजह से कट गया है तो वहाँ पे फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जो अभी भी सेंसेशन दे रही हैं उसे, और उसे पेन फील हो रही है। मसल डिस्ट्रॉफी में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ जाती हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के, किन सूरत हाल में जो है हम टेंस को यूज़ नहीं कर सकते। पेशेंट हैविंग कार्डिक पेसमेकर, वो पेशेंट जिन्हें पेसमेकर्स लगे हुए हैं, मींस ये इसलिए नहीं हम करते इसमें कि जो है हमारे पास टेंस और पेसमेकर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटरफेयर ना कर जाए। और हेमरेजिक कंडीशन में, ओपन माउंड में, कैरोटिड साइनस में, ओवर द माउथ, नियर द आई, और फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें हम जो है टेंस को यूज़ नहीं कर सकते।